हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज प्लीज वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। विच कॉन्ग्रेंस क्रिटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। आपको बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी या कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ए सी इक्वल टू डी एफ, AC इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड वन मोर साइड इज देयर दैट इज ए बी इक्वल टू डी ई। वो मैं भूल गई हूं लिखना, वो भी है इसमें। सो थ्री साइड गिवन है। अगर थ्री साइड गिवन हो तो कौन सा रूल होता है? साइड 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 रूल। तीनों साइड है इसमें, इसलिए साइड 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 रूल होगा। ओके, देन एक्स वाई इक्वल टू आर पी, आर क्यू इक्वल टू जी वाई एंड एंगल पी आर क्यू, एक्स जी वाई ये इक्वल है। सो विच रूल वी विल अप्लाई? साइड एंगल साइड। ओके, वी विल यूज साइड एंगल साइड रूल। ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड। देन एम एल एन, ये एंगल, एफ जी एच ये वाले एंगल के इक्वल है एंड एम एल ये वाली साइड, एफ जी इसके इक्वल है, एम इक्वल टू एफ ये एंगल F के इक्वल है। सो दिस विल बी बिकम एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल। नाउ नेक्स्ट, ये आपको देखने में दिख रही है राइट एंगल है दोनों में, ये साइड इक्वल है हाइपोटेनस और एक साइड गिवन है वो इक्वल है। सो इसमें कौन सी होगी? R H S रूल। ओके, जिसमें 90 डिग्री हो, हाइपोटेनस इक्वल हो और जो रिमेनिंग टू साइड है उसमें से एक साइड इक्वल हो। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। यू वॉन्ट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ई एन। ये कॉन्ग्रेंट हमें प्रूव करना है। इफ यू हैव टू यूज एस एस एस, अगर आपको साइड 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 क्रिटेरिया यूज करना हो तो क्या क्या चाहिए होगा? ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, सो ए आर, ये ए आर है, ए आर किसके इक्वल होगा? अब यहां से हम लेते हैं ए आर इक्वल टू पी ई, फर्स्ट टू पॉइंट है तो वहां से भी फर्स्ट टू पॉइंट लेते हैं पी ई, आर टी, आर टी लास्ट टू, तो यहां से क्या होगा? ई एन, देन ए टी फर्स्ट और लास्ट, तो यहां से क्या होगा? पी एन। देन सेकंड पार्ट, इफ इट इज गिवन दैट ये एंगल टी, एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, यू आर टू यूज एस ए एस, आपको साइड एंगल साइड यूज करनी है। यू नीड टू हैव, तो क्या होना चाहिए? आर टी इक्वल टू, देखिए ये एंगल हो गया तो आपको साइड एंगल साइड यूज करना है। साइड एंगल साइड मीन्स टू साइड और उनके जो साइड है उन्हीं के बीच में ये एंगल होना चाहिए। सो ये साइड आर टी, आर टी किसके इक्वल होगा? ई एन, देन पी एन, पी एन किसके इक्वल होगा? ए पी के इक्वल होगा। देन नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल टू पी एन, ये गिवन है ए टी इक्वल टू पी एन है। यू यूज, यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल। अब इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? एंगल साइड एंगल, तो इधर भी एंगल साइड एंगल। जिस सीक्वेंस में ये गिवन होता है उसी सीक्वेंस में हमें ये यहां पे मेंशन करना होता है। सो पी एन इक्वल टू ए टी, ये हमें गिवन है ये। तो अदर टू पार्ट क्या होंगे? टू एंगल्स, जो कि कहां होंगे? एंड पॉइंट ऑफ पी एंड पी एन एंड ए टी। सो एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल R
equal to angle T. Question number 3. You have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ. ये हमें प्रूव करना है. आपको बताना है कि जो ये रीजन है इसके क्या है. इधर ये साइड गिवन है, रीजन हमें बताना है कि रीजन क्या है इसका. पी एम इक्वल टू क्यू एम. पी ये एम है, पी एम इक्वल टू क्यू एम. तो ये दोनों क्या है, गिवन है हमें. अगर ऑलरेडी इसमें ऐसे मेंशन होता है तो वो गिवन होता है. देन एंगल पी एम ए इक्वल टू क्यू एम ए, ये भी गिवन है. देन ए एम इक्वल टू ए एम, अब ये क्या है, ये कॉमन है. कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों ट्राइंगल में हो. ठीक है, कैसे, अगर आप ट्राइंगल ये लेते हो ए एम पी तो इसमें ए एम है, फिर अगर आप ये वाली ट्राइंगल लेते हो ए एम क्यू इसमें भी ए एम है. सो वो कॉमन हो गया. देन ए एम पी, ये साइड एंगल साइड, कौन सा रूल हो गया, ये साइड एंगल साइड रूल. ओके, सिर्फ हमें ये करना था इसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 30, एंगल बी इक्वल टू 40, एंगल सी इक्वल टू 110. इन ट्राइंगल पीक्यूआर एंगल पी इक्वल टू 30, क्यू इक्वल टू 40 एंड एंगल आर इक्वल टू 110. अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय AAA congruence rule. Is he justified why or why not? किसी बच्चे ने ये तीनों एंगल लिए और उससे बताया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. आपको बताना है क्या जो स्टूडेंट ने बोला वो ठीक है या नहीं. ओके, सो ये ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पास एंगल 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 कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. और उसके लिए हम क्या लेते हैं, मान लो मैंने ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल लिए जिसमें मैं तीनों एंगल इक्वल लेती हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ये मैंने 30 लिया, 110 लेना है आपको. मैंने ये 30 लिया, ये 110 लिया और ये 40 लिया. दूसरी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की. ओके, दूसरी मैंने ड्रॉ की जिसमें ये एंगल 110 है, ये 40 और ये 30. अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल एंड सेम साइज होना चाहिए, जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए. क्या ये दोनों साइड इक्वल है. अब इसमें आप देखोगे कि ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते. इसीलिए हमें एंगल एंगल प्रॉपर्टी नहीं दी है. ओके, सो इसमें हमें नोट करना है, वो मैं नोट कर देती हूँ. व्हाट आई हैव रिटन, ट्राइंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बिकॉज एंगल 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 इज नॉट जस्टिफाइड एज टू ट्राइंगल्स विद इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. मीन्स टू ट्राइंगल्स जिसमें सारे एंगल इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो. अगर बिल्कुल एग्जैक्ट साइज है कि एक का 3 सेंटीमीटर दूसरे का भी 3 सेंटीमीटर तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इन सच अ कोरेस्पोंडेंस वन ऑफ देम कैन बी एन एनलार्ज्ड कॉपी ऑफ द अदर. इसमें क्या बोला कि अगर एक ट्राइंगल है, मान लो एक स्मॉलर ट्राइंगल है, तो दूसरा उसकी एनलार्ज्ड कॉपी यानी एक बड़ी कॉपी हो सकती है, इसलिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करनी है कि ट्राइंगल बी सी ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू. अब इसमें सेम ऑर्डर हमें देखना है, कैसे, बी के ऊपर ये डबल साइन, फिर ये साइड, फिर ये डॉट. तो इधर की साइड भी यही होना चाहिए, पहले डबल साइन फिर ये साइड फिर ये डॉट. तो क्या ट्राइंगल बनेगी, बी टी ए. ट्राइंगल बी टी ए. देन क्यू आर एस यानी सिंगल फिर डबल फिर डॉट.
सिंगल डबल डॉट, तो क्या बनेगा इसमें सीक्वेंस, ट्रायंगल टी पी क्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स, विच क्रिटेरिया डिड यू यूज। ये हमें गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू क्यू है, एंगल सी इक्वल टू आर है, आपको एक पार्ट और यूज करना है, जो कोई भी अगर ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए टू पार्ट्स तो जरूरी होते हैं, सो टू पार्ट्स तो इसमें गिवन है, वन पार्ट और चाहिए आपको, तो वो कौन सा पार्ट होगा। अब देखिए एंगल बीच में ही साइड है, तो एंगल साइड एंगल से आप क्या ले सकते हैं, वन एडिशनल पार्ट इज बी सी इज इक्वल टू क्यू पी, सॉरी क्यू आर। ओके, ये एडिशनल पार्ट हो गया। अब आपको बताना है कौन सा रूल है, सो कौन सा रूल है, वी यूज्ड एंगल साइड एंगल रूल, बस इतना करना था हमें इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी, ये हमें गिवन है। ओके, कि ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, हमें वो रीजन बताना है, सो हम पहले नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी, सबसे पहले हम जो गिवन है वो नोट करते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें गिवन है। ओके, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दिस इज ऑल्सो गिवन, वी हैव टू राइट दिस रीजन अदरवाइज मार्क्स आर डिडक्टेड। देन साइड बी सी दैट इज इक्वल टू ई डी, ये भी हमें गिवन है। अब आप बोलेंगे कि थ्री पार्ट तो हो गए, क्योंकि जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें थ्री पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो इसमें थ्री पार्ट्स हो गए, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा रूल है जिसमें एंगल एंगल साइड रूल हो, नहीं है। ठीक है, ये नाइन्थ क्लास में आएगा, लेकिन अभी सेवेंथ क्लास में हमें ये नहीं बताया गया है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी नंबरिंग गलत कर दी थी, तो वो ध्यान रखिए। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको अपने आप से करना है, वो मैं बताती हूं अभी कैसे करोगे। बी सी इक्वल टू ईडी हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें हम करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी साइड में क्या है, एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना कि जो इक्वल गिवन है, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है पहले से ही, सो देखिए एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, मैंने ट्रांसपोजिंग कर दिया, इधर क्या होगा एंगल डी दैट विल बी इक्वल टू, जो नहीं गिवन है हमें सी और डी, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लेती हूं तो ये क्या आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर टू एंगल्स है, इसमें ये दोनों जो सम है एंगल ए प्लस बी वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई प्लस एंगल एफ के इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल है देखो यहां। ठीक है, अगर ये सम इसके इक्वल है तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी इक्वल होगा,
जैसे इसको एग्जांपल से कैसे ले सकते हैं, ये 90 है मान लो, ये 30 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 प्लस 30 120, 180 से 120 माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री आ गया। सेम उसमें भी ऐसे ही आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये 90 और दूसरा अगर ये 30 लेती हूं मैं तो ये भी कितना आया 70, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगल, सो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी। अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल साइड एंगल। अब प्रॉपर्टी बन गई यहां पे, हमें यहां पे अब हम यूज कर बोलेंगे यहां पे, सॉरी यहां पे अब हम नोट करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन अ स्क्वायर्ड शीट, स्क्वायर शीट में आप क्या ले सकते हो, या तो ग्राफ पेपर लेना या फिर जो छोटे बच्चों की मैथ्स की नोटबुक होती है उसका पेज आप ले सकते हो। ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, आपको टू ट्रायंगल लेनी है जिसमें इक्वल एरिया होना चाहिए, ठीक है। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्वेश्चन 7 रीड कर रही हूं मैं, कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो मीन्स जो मेजरमेंट आप लोगे तीनों साइड का वो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल लोगे तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर आप इक्वल नहीं लेते हो, मान लो एक में आपने 3 सेंटीमीटर लिया एक में 4 सेंटीमीटर लिया साइड, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। ये दोनों आपको अपने आप से ड्रॉ करना है और मेजरमेंट जरूर लिखना है। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो आप बोलोगे कि जिसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट हैव सेम पेरीमीटर या इक्वल पेरीमीटर, एंड द ट्रायंगल विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट दे हैव डिफरेंट पेरीमीटर्स। ओके, ये सब आपको नोट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल सच दैट दे हैव 5 pairs ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है पुरानी बुक्स में, ठीक है, न्यू में नहीं है। ये क्वेश्चन न्यू बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग था, इसलिए इसको हटा दिया गया है बुक से। सो वो मैंने इसीलिए नंबरिंग गलत हो गई थी मेरी, क्योंकि बुक में मेरी में 10 क्वेश्चन है और जबकि 8 क्वेश्चन कट चुका है। तो नंबरिंग प्लीज आप अपने आप से देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।